हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन पर, जिस पर आप दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय के प्रोडक्ट मेंटेड टैबलेट के बारे में। तो ये जो हिमालय के मेंटेड टैबलेट हैं, इनके क्या क्या यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के पेशेंट को ये मेडिसिन लेनी होती है या किस तरह के पेशेंट को डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू वॉच करें, जिससे आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो गाइज, ये जो मेडिसिन है मेंटेट, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि मेंटल यानी दिमाग से रिलेटेड इसके जो है कार्य होते हैं, इसके वर्क होते हैं, और हिमालय कंपनी के द्वारा गाइज ये मेडिसिन बनाई जाती है। दोस्तों, ये मेडिसिन कैसे काम करती है, कितने दिन में काम करती है, कौन सी डिसीज़ को क्योर करती है, ये सारी चीज़ें हम जो है जानने वाले हैं। तो गाइज़, ये जो मेंटेन टैबलेट है, इसका इस्तेमाल कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि आप कोई ऑफिशियल जॉब करते हैं या आपका दिमाग का काम जो है ज़्यादा रहता है, तो ऐसे बंदों के लिए, ऐसे जो मरीज़ होते हैं या ऐसे नॉर्मल बंदे भी हो सकते हैं, उनके लिए मेंटेड टैबलेट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनको काफ़ी आराम होता है इससे। दोस्तों, ये एक हर्बल यूनानी मेडिसिन होती है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। और गाइज, अगर किसी को दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है या कोई डिसीज़ है या डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ये मेडिसिन ट्रीटमेंट करती है। दोस्तों, अगर किसी को स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, ऑफिशियल वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग से थका हुआ महसूस करते हैं, या याददाश्त जो है कमज़ोर होने लगती है और बार बार भूलने की बीमारी लग जा रही है, साथ ही कुछ याद नहीं रहता है, कन्फ्यूज़न लगी रहती है, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये करना है या नहीं करना है, या जिस चीज़ के बारे में भी उनको डाउट रहता है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही बात करें, अगर किसी को रात को ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक से सो नहीं पाते हैं, सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो रही है गाइस, और सोते समय कभी कभी यूरिन भी निकल जाता है बिस्तर में, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने का ये मेडिसिन काम करती है। दोस्तों, ये ब्रेन के सेल को स्ट्रांग बनाती है, ब्रेन को स्ट्रांग बनाती है और ब्रेन को जो है डेवलप करती है, और जो भी ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको क्योर करने का काम करती है। दोस्तों, ये न्यूरो डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने का काम करती है। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते समय अचानक से चौंकने लगते हैं, तो उनको भी ठीक करने का काम करती है, उनको बैलेंस करती है। तो इस तरह से ये जो हिमालय का मेंटेड टैबलेट है, ये एक ब्रेन टॉनिक का काम करता है, यानी ब्रेन के लिए टॉनिक कहलाता है। तो गाइज, इस मेडिसिन के ये बहुत सारे फ़ायदे हुए जिनकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन का डोज क्या रहता है गाइज, कि इसकी डोज क्या रहेगी अगर कोई इसको यूज़ करता है। तो दोस्तों, डोज के केस में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी जो है डोज आप खुद से ना लिया करें। डोज जो है किसी भी मेडिसिन की अगर आप खुद से लेते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। डोज की कंडीशन ये रहती है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनको दिखाएं और डॉक्टर आपकी जो कंडीशन है, जो बीमारी है या डिसऑर्डर है, उसको चेक करते हैं, डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करने के बाद ही डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर आपको एक सही डोज बताते हैं कि आपको कितनी डोज कितने दिन तक लेनी है और कितने बार लेनी है। तो इस तरह से डोज जो है आपके डॉक्टर की सलाह से रहती है। जनरली स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें गाइस, तो इस टैबलेट का अगर मान लीजिए किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की शुरुआती लक्षण आ रहे हैं या शुरुआती इनिशियल स्टेज पर दिक्कत है, तब वो एक टैबलेट ओडी यानी दिन में किसी भी टाइम, लेकिन डेली सेम समय पर ही उनको लेनी होती है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, और इसके अलावा जिस तरह से उनके डॉक्टर या हकीम बताते हैं उस तरह से वो ले सकते हैं। दोस्तों, इसका जो यूज़ है वो आप वाटर यानी पानी के साथ या फिर मिल्क यानी दूध के साथ कर सकते हैं। तो जब भी आप मेडिसिन लें, आप एक ताज़े पानी के साथ ले सकते हैं या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। और गाइस, बात करें इसके ड्यूरेशन की, कि इसको कितने लंबे समय तक आपको लेना रहता है, तो गाइस आप इसको 15 दिन से लेकर 30 दिन तक ले सकते हैं,
और इसके साथ ही आपके डॉक्टर जिस तरह से बताएं, अगर डॉक्टर चाहते हैं आपका लंबा ट्रीटमेंट हो या आपको लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से लॉन्ग ट्रीटमेंट भी इसका लिया जा सकता है। तो गाइज़ ये इस तरह से इसका डोज़ और ड्यूरेशन हो जाता है और ये टैबलेट आपको खाने के बाद में लेने होते हैं। गाइज़ अगर हम बात करें कि इसको कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, तो दोस्तों इस मेडिसिन को फीमेल और मेल दोनों ही तरह के जो एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं बड़े हैं वो ले सकते हैं। बच्चों को ये मेडिसिन दोस्तों नहीं दी जाती है, तो 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट गाइज 7 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इनको भी ये मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है, इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, नुकसान दे सकती है। गाइज़ अगर हम जानें कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, कि इसके कौन से ऐसे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं, तो गाइज़ इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकता है, जनरली तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, बट हो सकता है किसी को उल्टी या मितली जैसी फीलिंग आए या फिर उनको थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो, घबराहट हो, तो ये हो सकता है। बट गाइज ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केस में यानी बहुत रेयर केस में ये सब देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करें, इसको लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह से ही नेक्स्ट जो भी बताते हैं डॉक्टर वो मेडिकेशन करें। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में इस हिमालय मेंटेड टैबलेट के बारे में एक जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें सोशल मीडियाज पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक मेडिसिन परिवार का हिस्सा बने और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई नई जानकारी से अपडेट रहें। तो दोस्तों ऐसे ही एक नए मेडिकेशन के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।